अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। गर्ल्स, आज मैंने ये अरेबिक आई लुक क्रिएट किया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, मुझे कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और शेयर करना भी नहीं भूलना। अगर आप कोई भी आई लुक जो है क्रिएट करवाना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए गर्ल्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज़ को जो है म्यूज़िक फ्लावर के ब्राउन वाले जेल आईलाइनर से फिलअप किया है। और आई शेड्स के लिए मैं ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसका ये पर्पल शेड मैं अपनी क्रीज़ में अप्लाई करूँगी। रियल टेक्निक का ब्लेंडिंग ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। इस कलर को मैं अपनी क्रीज़ में अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा कलर ज़्यादा ले लिया था तो इसका थोड़ा फाउल आउट हो गया है। इट्स ओके, मैं उसको बाद में वाइप आउट कर दूंगी। देन बड़े वाला ब्लेंडिंग ब्रश लेके आप इसको अच्छे से अपने क्रीज में ब्लेंड कर लीजिए। मेक श्योर कोई भी हार्श लाइन ना रहे, और ब्लेंडिंग में आप अच्छे से टाइम दीजिए क्योंकि ब्लेंडिंग ही की है किसी भी अच्छे आई लुक के लिए। इसके बाद मैं ये पर्ली सा शेड जो है अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। आप कोई भी वाइट शेड, सिल्वर शेड यूज़ कर सकते हो। ये मेटालिक सा शेड है, आपके ब्राउ बोन को ज़बरदस्त हाईलाइट करता है। ओके गर्ल्स, इसके बाद ये डार्कर ब्लू शेड जो है मैं अपनी क्रीज में ही अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं एक छोटे साइज़ का ब्लेंडिंग ब्रश, ये जोइबा के ब्रशेज़ हैं, इनका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, और इस पैलेट का रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर आई बटन में भी लगा दूँगी, आप वहाँ पर चेक क्लिक करके चेक कर सकते हो। अपनी इनर क्रीज़ पर ही, यानी सिर्फ क्रीज़ पर ही अप्लाई करूँगी और अच्छे से यहीं पर इसको ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैं अपनी क्रीज़ को जो है कट कर रही हूँ कंसीलर की मदद से। आप छोटे से ब्रश से कट कीजिए ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो कट करने के लिए। ओके गर्ल्स, इसके बाद ये मैक का शिमरी सा प्रेस शेड है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मुझे लोकल मार्केट से ही 100 या 120 का मिला था। अगर आपके पास ये नहीं है तो इट्स ओके, इसी पैलेट में या कोई भी आप शेड जो है मेटालिक शेड अपनी क्रीज़ पर अप्लाई करने के लिए, सॉरी अपने लिड पर जो हमने क्रीज लिड कट की थी उस पर अप्लाई कर रहे हैं। मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। बाद में जो भी आपकी लाइन्स रह जाएँ आप उसको ब्रश की मदद से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर की मदद से जो है मेटालिक शेड ज़्यादा अच्छा, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा अप्लाई हो जाता है। ओके गर्ल्स, इसके बाद मैं दोबारा यही छोटे वाले ब्रश से डार्कर ब्लू शेड अपने कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद ये ब्लैक शेड है, डार्कर ब्लैक, बहुत ही जेट ब्लैक शेड है इसका, पिगमेंटेड है ग्लैमरस फेस की पैलेट का। ये अप्लाई करूँगी अपने सेम कॉर्नर पर। ओके गर्ल्स, इसके बाद मैं सेम यही ब्लैक शेड जो है अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी, ताकि जैसा कॉर्नर हमारा ऊपर से है वैसा आई लुक हमारा नीचे से और बैलेंस रहे। इसके बाद मैं मेबेलिन का ये कोलोसल काजल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही जेट ब्लैक और ज़बरदस्त है। और आपको ओरिजिनल या तो ऑनलाइन मिलेगा किसी ऑथेंटिक पेज से, या मेबेलिन के सॉरी हाइपर के मेबेलिन आउटलेट से आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं म्यूज़िक फ्लावर का जो है ब्लैक आईलाइनर यूज़ करूँगी। आईलाइनर आप चाहो तो सिंपल भी लगा सकते हो, और विंग आईलाइनर लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और गर्ल्स, यहाँ पर मेरी लुक जो है कंप्लीट है। मैंने लैशेज भी अप्लाई कर ली हैं। मैंने आर्या मेकअप की मियामी हैंग आउट लैशेज़ अप्लाई की हैं। आप कोई भी लैशेज़ अप्लाई कर सकते हो, ये ऑनलाइन मिलेंगी। उनका पेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसकी प्राइस है 12 समथिंग लाइक दैट। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, मेरी ये लुक पसंद आई हो। नेक्स्ट आप कोई भी मुझे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, बाय।